नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। ये खबर उनके लिए है जो यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की सोच रहे हैं। ये अब हादसे का एक्सप्रेसवे बन गया है। जरा सी लापरवाही और आपके अपनों की जान जा सकती है। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से आए दिन वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। आप जो रिपोर्ट देखने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला सकती है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, जहां सच्चाई से कराएंगे आपको रूबरू। हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे दिल थाम कर देखिएगा। यह है यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। यहाँ रोज हजारों गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना कैसे जानलेवा हो जाता है, ये आप आगे देखने वाले हैं। अब आप देखिए, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाती है। 6 बार पलटने के बाद धुएं के गुबार में गायब हो जाती है। चलिए आपको दूसरा हादसा दिखाते हैं। तेज रफ्तार कार पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, जहां कार मुड़ने की कोशिश करती है और पीछे से आ रहा बाइक सवार कार से टकरा जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सिर्फ कार और बाइक ही हादसे का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि बाहरी वाहन भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, और हादसे का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट। आज इस रिपोर्ट की हकीकत जानने के लिए न्यूज ऑल इंडिया की टीम खुद यमुना एक्सप्रेसवे पहुंची है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की यहां से शुरुआत होती है, या फिर मैं ये कहूं मौत के एक्सप्रेसवे की यहां से शुरुआत होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ यहां से फर्राटा भरती हैं और हादसे का शिकार हो जाती हैं। लेकिन हादसे होते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हादसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से। ओवर स्पीडिंग, तेज गति से गाड़ी चलाना। देखिए आप किस गति से गाड़ी निकल रही है। एक और गाड़ी लगातार दिन ब दिन हर मिनट ऐसे ही गाड़ी यहाँ से निकलती हैं और हादसे का शिकार हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हादसे पर रोक कैसे लगाई जाए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने एक ऐप का साथ लिया है। जी हाँ, 15 फरवरी आने वाले कुछ दिन के बाद से ये ऐप यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। 15 फरवरी से हाईवे साथी ऐप का साथ यहाँ पर लिया जा रहा है, और ऐसे में अगर आपके फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो फिर आप एक्सप्रेसवे पर यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र नहीं कर पाएंगे। उस ऐप की मदद से अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऐप आपको मदद करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि वो ऐप आप तक मदद कैसे पहुँचाएगा। जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो उस ऐप का सर्वर आपके ऐप से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे का जो सर्वर है वो ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। आपकी लोकेशन, आपकी गाड़ी की स्थिति, अगर आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उसकी स्थिति के फौरन बाद ही आपको उस ऐप पर अपना संपर्क करना है अधिकारियों से, फौरन आपको मदद भेजी जाएगी। क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटना यहाँ पर होती हैं कि रात में गाड़ी ख़राब हो जाती है लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं होता। इसके चलते यहाँ पर मदद के लिए ये ऐप लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऐप की मदद से हादसे रुकेंगे या नहीं। मौत के एक्सप्रेसवे पे हम खड़े हुए हैं। हाईवे साथी ऐप 15 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐप कितना मददगार साबित होगा। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो इस पर सफ़र करते हैं, कोई एक शख्स आ रहा है, इसको रोकते हैं। रुकिए, क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, कहाँ जा रहे हैं आप? जी सर, मैं जा रहा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
दुर्घटना होती हैं, लेकिन दुर्घटना को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने ऐप लॉन्च किया है, 15 फरवरी से लागू है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्सप्रेसवे पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। फ़ायदा मिलेगा उस ऐप के साथ, आपको ऐप की जानकारी है, पता है, कोई खबर है आपको? नहीं, अभी ऐसा है कि अभी इस ऐप के बारे में सुना तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है, अगर कोई चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, इस्तेमाल करके अगर उसमें फ़ायदा मिल रहा है तो वो हमारे के यहाँ हम उसे यूज़ करें। अगर उसमें हमारे लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे रोड पर चलने पर कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ हो जाता है तो उसके माध्यम से तुरंत हमें सहायता मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर कोई चीज़ है इंसान के फायदे के लिए तो वो लागू की जाए। हमारे संग टीम मौजूद है जो जब कोई परेशानी में होता है तो मददगार बन के यही सामने आते हैं, इनसे बात करते हैं, आपको बताते हैं। जिस तरीके से हादसे यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप लोग सबसे पहले मदद करने के लिए पहुँचते हैं। अब एक ऐप यहाँ पर आ रहा है, उस ऐप से कितनी मदद होगी? हाँ, ये हाईवे साथी जो ऐप है, इससे हमारी टीम को बहुत इसके हेल्प मिलेगी, और जो भी लोकेशन है वो जैसे भी जहाँ भी दुर्घटना होगी वहाँ तुरंत हमारी रिस्पांस टीम वहाँ पहुँच रही है, और कंटिन्यू 24 घंटे हमारी यहाँ पेट्रोलिंग सर्विस रहती है, और कोई इसमें ढील नहीं है, रात दिन 24 घंटे इसको बराबर हाईवे साथी के साथ हम बिल्कुल पालन करें। देखिए हाईवे साथी ऐप, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा जूम करें इसको और दिखाएँ। हाईवे साथी ऐप अब यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, 15 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। इस ऐप के बिना आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आप बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे, वरना एक एक्सीलेटर पर पैर जाने से और ज़िंदगी का मौत का शिकार ये एक्सप्रेसवे निकल जाएगा आपको। इसलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से यही अपील रहेगी, गाड़ी आराम से चलाएँ, सही तरीके से अपने घर पहुँचें। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।